ऐसा शैम्पू जिससे आपके बाल लंबे घने मजबूत तो होंगे ही, टूटना भी बंद हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बाल जो हैं वो काले भी होंगे। और इस शैम्पू को बनाना काफी आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शैम्पू को बनाना। इसके लिए आपको चाहिए सीकाकाई, आमला और रीठा। बस आपको इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी इस शैम्पू को बनाने के लिए। सबसे पहले हम सीकाकाई को एक मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। जब आप इसका पाउडर बना लें, उसके बाद में एक अलग बोल में इसे पलट लीजिए और साइड में रख लीजिए। अब हम लेंगे रीठा। इसका पाउडर बनाने से पहले हम इसके जो बीज का पार्ट है, यानी इसका जो बीज है, उसको अलग कर लेंगे। मैं एक क्रशर में इसको डालकर हल्का सा कूट कर इसके बीज को बाहर निकाल दूंगी, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मैंने सभी रीठा में से इनके जो बीज हैं वो अलग कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। इससे क्या है, हमारा जो पाउडर है उसे बनाने में आसानी रहेगी। अब इन्हें भी हम उसी मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैंने रीठा का भी जो पाउडर है वो बनाकर तैयार कर लिया है। जरूरी नहीं है कि आप एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करें, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आप उस तरीके का पाउडर बना लीजिए। अब इसे भी हम एक अलग बोल में पलट लेंगे और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब इसी तरह से हम आंवला को भी पीस कर उसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैंने आंवला का भी पाउडर बना लिया है, इसे भी हम एक अलग बोल में पलट कर रख देंगे। और जब तीनों का पाउडर बन जाएगा, उसके बाद में हमें आगे की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। आगे की प्रोसेस के लिए आपको रखना है गैस पर एक पैन और उसमें ऐड करना है 2 ग्लास पानी। और अब गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए और पानी को गर्म होने दीजिए। जब पानी गर्म हो जाएगा तब हम उसमें ऐड करेंगे सीकाकाई पाउडर, फिर ऐड करेंगे आंवला पाउडर, और लास्ट में हम यहां पर ऐड करेंगे रीठा पाउडर। अब इसको मिक्स कर लीजिए और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें जो पानी है वो इसकी क्वांटिटी का आधा नहीं हो जाता। अब 20 से 25 मिनट के बाद में ये पानी आधा हो गया है तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद में हम इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। आप इस शैम्पू को आराम से 20 से 25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और जो इसका पल्प बचेगा उसे आप मास्क की तरह अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर में। ये शैम्पू आपके बालों के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ये आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाएगा, साथ ही आपके सफेद बालों को काला करने में आपकी हेल्प करेगा। अब जो मेरा शैम्पू है वो मैंने छान कर अलग कर लिया है, अब उसे मैं कुछ इस तरह की ग्लास की बॉटल में पलट लूंगी। तो यहाँ मेरा शैम्पू पूरी तरह से बनकर तैयार है। आप भी बनाकर देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये शैम्पू कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।